हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के दूसरे वीडियो के संबंध में। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आपको पता ही है हम लोग 500 MCQs की सीरीज चला रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी वीडियोज़ देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7849880187। देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। PDF के रूप में मैं आपको नोट्स दूंगा सभी सब्जेक्ट के, तो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं नोट्स को। देखिए, पिछली बार मैंने नोट्स दिए थे तो काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लोग जो है 125 से ज़्यादा भी अंक लाए, तो मेरे नोट्स ले सकते हैं आप मुझसे कांटेक्ट करके। ये नोट्स जो हैं वो पेड हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला हमारा प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? कर्वे, फुंक, विलियम हार्वे, रदरफोर्ड। तो विटामिन की खोज की थी फुंक ने। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन ए। देखिए, कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं? ए, डी, ई, के। ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं? कीड़ा, कीड़ा भी इसे हम कह सकते हैं। देखिए, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील हैं। बाकी जो बी और सी हैं वो जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का नाम बताइए, थायमिन, बेरीबेरी, रेटिनॉल, स्कर्वी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और गाजर जो होती है खाने वाली, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस में जो है विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया होगा गाजर, आलू, टमाटर, आंवला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? गाजर वाला ऑप्शन सही होगा, यानी गाजर में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसे बहुत ही बार पूछा गया है। अगला है, कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो कैल्सिफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी जो है वो धूप से प्राप्त होती है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन सी किस में पाया जाता है? आलू, टमाटर, केला, आंवला। तो विटामिन सी जो है वो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या नींबू में भी जो है ये पाया जाता है। एग्जाम में नींबू भी आ सकता है, तो विटामिन सी नींबू में भी पाया जाता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। तो रक्त का थक्का जो है विटामिन के की सहायता से जमता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालमीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी वन, विटामिन बी 12, विटामिन बी 5, विटामिन बी 7। तो साइनोकोबालमीन जो है वो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड, थायमिन, साइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड। धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, मैंने आपको अभी बताया था।
किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो विटामिन सी, विटामिन सी की वजह से जो है मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न हमारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, रेबीज। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अगला है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की या विटामिन ए की। तो बच्चों में अस्थियां जो है वो विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती हैं। विटामिन डी धूप से हमें मिलता है, कैल्सिफेराल इसका रासायनिक नाम है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, बाकी जो है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये वसा में घुलनशील हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो छिली हुई सब्जियों से जो है अगर हम सब्जियाँ छील कर धोते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विटामिन ए जो है वो मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन या कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, CO, और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, टोकोफेराल, स्कर्वी, नेफ्थोक्विनोन, एस्कार्बिक एसिड। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। एग्जाम में विटामिन्स के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, होने वाले रोग पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे अधिकतर जो है विटामिन के रासायनिक नाम ही पूछे जाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं जैसे स्कर्वी है, रिकेट्स है, रतौंधी है, इनके बारे में पूछा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं अपने इस सीरीज में समाहित कर रहा हूँ, जो कि टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, टोकोफेराल, रेटिनॉल, कैल्सिफेराल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूखा रोग किससे होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो सूखा रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से और कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। अगला है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1, B3, B5, B6। तो पेलाग्रा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। बेरीबेरी रोग होता है B1, C, B2, B12। जो बेरीबेरी रोग होता है वो B1 से होता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए, जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगला है, पायरीडॉक्सिन रासायनिक नाम किसका है? किस विटामिन का नाम पायरीडॉक्सिन है? B6, B5, B1, B2। तो पायरीडॉक्सिन जो है नाम है वो है B6 का। अगला बहुत ही प्यारा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होगा रतौंधी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ई की कमी से। जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है, पेंटोथिनिक अम्ल है, किसका नाम पेंटोथिनिक अम्ल है? तो विटामिन B5 जो है वो पेंटोथिनिक अम्ल कहलाता है।
अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, सही। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, सही। विटामिन ई का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन, गलत। विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, गलत। ये जो है, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नेफ्थोक्विनोन, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प सुमेलित है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन बी फाइव की कमी से बेरी बेरी रोग। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है, बी वन से बेरी बेरी होता है। अगला है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। B2C B1 या B11। तो B2 का राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है। आखिरी प्रश्न है यारी, हमारा लास्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, एक आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, इसीलिए 60 का जो है आपका बी और डी ऑप्शन सही होगा। बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, बाकी जो ए डी ई के हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।